हेलो स्टूडेंट्स तो आपको आई थिंक बहुत सारे जनों को बेसब्री से इंतजार होगा सर कि जो 2022 के अंदर बायो का पेपर आया जैसा मैंने अभी आपको बताया बच्चों उसमें से मैंने आपको ऐसा बोला कि डायग्राम बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं है बट एक क्वेश्चन बच्चों डायग्राम बेस्ड है जो बॉटनी सेक्शन के अंदर आया है और उसमें पूछा है कि जो फॉल्स फ्रूट है उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है जो उसको फॉल्स बनाने के काम में आता है सो देर इज अ वन क्वेश्चन इन बॉटनी सेक्शन दैट इज़ फ्रॉम डायग्राम रेस्ट पूरे पेपर के अंदर बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपके डायग्राम बेस्ड नहीं है एक ही क्वेश्चन है अब अपन देखते बच्चों आज मैं जो आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ अच्छा का अच्छा क्यों था बच्चों अच्छा इसलिए था अपन बोल सकते हैं कि पेपर लेंदी था बट आप लोग जब अभी क्वेश्चंस के आंसर और सोल्यूशन देखोगे बच्चों आपको लगेगा द कंप्लीट पेपर इज फ्रॉम एनसीआर टेक्स्ट बुक बट टेक्स्ट बुक को बच्चों अच्छे से पढ़ना पड़ता है तब जाके अपन पेपर्स को सॉल्व कर पाते हैं बच्चों जो भी पेपर हम लोगों ने आपके लिए थे FRT और अच्छे पेपर्स आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरह के बायो के अंदर आए हैं तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों बॉटनी का पेपर बॉटनी का जो कोड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों दैट इज कोड टी सिक्स सो इट इज नीट यूजी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सोल्यूशन कोड ए सिक्स सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों वन जीरो वन क्वेश्चन नाउ दिस इज ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल इशू का क्वेश्चन है बच्चों फॉलोइ इज नॉट अथड एक्स टू कंजर्वेशन एक्स कंजर्वेशन का कौन सा मैथड नहीं है मतलब वो किसका पार्ट हो सकता है in conservation, बच्चों तो in में अपन क्या क्या पढ़ते हैं अब यहाँ पे बच्चों जो नॉट लिखा हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट है हमेशा हम आप लोगों को बोलते हैं कि जब भी नॉट इन करेक्ट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर अंडरलाइन करने का बच्चों मैंने अंडरलाइन किया नॉट अ मैथड ऑफ एक्ससी टू मतलब वो क्या है एक्सी टू का पार्ट नहीं है तो बच्चों माइक्रो प्रोपोगेशन क्रायो प्रिजर्वेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सीड जो आप कलेक्ट करते हैं दैट इज सीड बैंक जीन बैंक ये सब किसका पार्ट है दे आर द पार्ट ऑफ एक्स एक्सटू कंजर्वेशन इन सी टू का पार्ट कौन कौन सा है सो नेशनल पार्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्स टू इट इज अ पार्ट ऑफ इन सी टू दैट इज ऑन साइट कंजर्वेशन अब बच्चों इसी पर्टिकुलर जगह से दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले हैं जिसमें इन सी टू और एक्स टू के ऊपर क्वेश्चन है तो इन सीटू कौन कौन से आते हैं अब इसमें याद रखने का तरीका बच्चों ये पार्क बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स बायोस्फीयर रिजर्व क्लियर ये सब किसका पार्ट है बच्चों दैट इज अ पार्ट ऑफ इन सो इसका आंसर क्या हुआ आपका फर्स्ट नेशनल पार्क इज नॉट अ मैथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन इट इज अथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ये एक्स सीटू का पार्ट नहीं है बच्चो किसका पार्ट है इन सीटू फिर देखो बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो आपको टू दिया है बच्चों दैट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ सीओ इन सी फोर प्लांट किसमें पूछा है बच्चों सी फोर प्लांट सी फोर प्लांट में क्या होता है मीजोफिल सेल्स के अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर होता है जो सीओ टू वॉटर के साथ रिएक्ट करके बाई कार्बोनेट बनाती है एंड देन इट रिएक्ट विद फोस्फो इनोल पायरोट एंड इट इज फाउंड इन मीजोफिल सेल

ये पूछाएगी चूज द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट टू भी क्या है बच्चों है स्टेटमेंट्स आर ट्रू तो अभी अगर अपन देखने जाएं बच्चों बच्चों तो जो इसका इसका आएगा 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 वो क्या क्या होंगे बच्चों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है cell के अंदर क्या नहीं होता उसमें कौन सा एंजाइम होता है Phosphoenol pyruvate. Now, next question देखते हैं बच्चों अपन जो जेनेटिक्स तो वाला पोर्स है उसमें से बच्चों तो बच्चो, ग्रास ओपर डायरेक्टली लिखा हुआ है एक्सओ और उस ग्रास ओपर में भी जो एक्सो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं दे आर बेसिकली मेल्स

डिपोजिशन ऑफ सुबेन एंड एरोमेटिकन का डिपोजिशन नहीं होता है और दूसरी बात यह भी कहां लिखा हुआ है बच्चों इट इज रिटर्न इन दैट इज इट इज रिटर्न इन आउटर लेयर ऑफ स्टेम तो यह गलत है बच्चों कौन सी लेयर में होता है इनर लेयर फिर सुबेरिन इज रॉन्ग देन डिपोजिशन ऑफ टेनिन गेज इन एरोमेटिक सब्सटेंस इन

105 के अंदर देखो बच्चों आप क्वेश्चन गिवन है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व तो अगेन बच्चों में अंडरलाइन कर रहा हूं नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या ऑब्जर्व नहीं होता एपोप्लास्टिक मतलब जो डेड एलिमेंट्स के थ्रू जाएगा डेड एलिमेंट्स मतलब वहां पे क्या होगा बच्चों कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होता पानी बहुत तेजी से जाता है तो आप देखो द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन सो इट इज करेक्ट पूछा है कौन सा ऑब्जर्व नहीं होगा ये ऑब्जर्व होगा

Second. तो इसका आंसर क्या होगा, होगा. स्टेटमेंट टाइप के, इस इस के और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों जो अभी मैंने वन जीरो फोर बताया था इट इज मेनी स्टेटमेंट टाइप जो मैंने आपके वीडियो में भी लगाया था क्लियर अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों गिवन है पोलीमरीज चेन रिएक्शन इज यूज डीएनए एम्प्लीफिकेशन बिल्कुल सही बात है बच्चों अभी कोविड हो रहा था आपने देखा होगा उसके लिए जो अपन टेस्ट करते थे दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज करते हैं बच्चों यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं डायरेक्टली कर रहे हैं अपन सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज टू एम्प्लीफाई एम्पलीफाइड इट इज यूज टू एम्प्लीफाई सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सबसे पहले बच्चों ऐसे करना होता है रीजन को देन द एम्पीसिल रजिस्टेंस जीन इज यूज एज अलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन यस जैसे ही आप एम्पीसिलीन जो रजिस्टेंस जीन है बच्चों तो अपन ने देखा था अपन क्या करते हैं एम्पीसिलीन और टेट्रा साइकिलिन दो को यूज में लेते हैं तो जो एम्पीसीन रजिस्टेंस जीन होता है वो क्या करता है बच्चों अगर मान लो एम्पीसिल रजिस्टेंस आपका पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू है जिसके अंदर एम्पिसिन रजिस्टेंस है अगर वो किसी सेल में एंटर करता है तो उस सेल को आप ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हो अगर वो सेल में एंटर नहीं करता तो आप उसे क्या बोलते हो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो अगर मैं डाली टू तो वो हो जाएगा। दूसरा वाला नहीं गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट ग्रो सो यस एम्पीसीन रेजिस्टेंस जीन इज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन सो दिस इज आल्सो ट्रू तो यहां इंपॉर्टेंट ऐसा है बच्चों लेकिन इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है मतलब एम्पीसीन रेजिस्टेंस जीन इज नॉट रिलेटेड टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एट ऑल सो असर इज करेक्ट रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर आंसर इज फर्स्ट इसलिए जो आपका हंड्रेड एंड उसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा आपका फर्स्ट आएगा आई थिंक क्लियर हुआ होगा बच्चों आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड सिक्स है उसका आंसर क्या है आपका फर्स्ट उसके बाद देखो बच्चों आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड एंड सेवन में क्वेश्चन दिया है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन है बच्चों ऊपर वाला भी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था आप देखो दो क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से बच्चों द सेपरेटेड आर आर यूजिंग यूजिंग ब्रोमाइड यस दे सो दिस इज करेक्ट पूछा है बच्चों नॉट ट्रू तो मैंने बताया अंडरलाइन कर दो या राउंड कर दो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक गिव्स ब्लू कलर बच्चों ब्लू कलर नहीं देते हैं क्या देते हैं ये आपका ऑरेंज कलर अंडर यूवी रेडिएशन ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा सो so, नीचे लिखा हुआ है ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इज एज अंडर यूवी रेडिएशन दो दैट इज करेक्ट और जो छोटे छोटे डीएनए के पीसेस बनते हैं बच्चों उसके अंदर एग्रोस जेल में उनको निकालने को अपन क्या बोलते हैं इल्यूशन सो दिस इज द टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सो इसके अंदर ये वाला काम नहीं होता बच्चों सो so, इसका आंसर है इट दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट उसके अंदर सो so, मैं नेक्स्ट वो चेंज कर रहा हूँ स्लाइड नाउ गो फॉर दिस नेक्स्ट स्लाइड बच्चों अगर आप देखोगे तो देखो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नाउ जस्ट अवे लुक स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेक्शन बच्चों आज तक इस पे भी कभी uh, नहीं आया है तो फ्यूचर में भी आ सकता है तो दैट इज इंपॉर्टेंट इल्यूशन बोलते हैं तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट करेक्ट हो गए एक रॉन्ग हो गया बच्चों जहां पे कौन से बैंड दिए हुए हैं ब्लू तो आंसर कौन सा हुआ उस क्वेश्चन का बच्चों अगर मैं बोलने जाऊं तो आपको इसका आंसर है टू इज द करेक्ट आंसर नाउ वन जीरोस प्लांट ग्रोथ रेग्यूलेटर इज यूज इन ये बच्चों इथाइलिन के बारे में अगर आपको पता हो तो क्लियर कट लिखा हुआ है ऐसा कि वो किसके अंदर काम आती है इट प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड ये रूट ग्रोथ होगा बच्चों रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन क्लियर सो आंसर इज फर्स्ट उसके अलावा बच्चों द लिखा हुआ सेकेंड टू हेल्प एपिकल डोमिनेंस दैट इज साइटोनी जो ये काम करता है किस द फील्ड डायकोट वीड को कौन करने के काम आता है बच्चों That is तो ये काम किसका है बच्चों दिस इज दर्क ऑफ साइटोकाइनी ये किसका है बच्चों दिस इज द वर्क ऑफ ऑक्जीन एंड स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस ये काम किसका है इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा फर्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आप व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज वट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज

अगर आप इसके स्टेटमेंट पढ़ोगे सारे स्टेटमेंट पढ़ोगे बच्चों एक साथ दीज आर इन आर क्वेश्चन होता है बच्चों रूट्स के अंदर क्योंकि रेडियल अरेंजमेंट होता है तो रूट्स के अंदर ऐसा होता है सो दिस इज करेक्ट सेकेंड दंजॉइंट क्लोज्ड वास्क्यूलर बंडल तो क्लोज्ड में बच्चों कैम्बियम होती है वो क्या होती है एब्सेंट तो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टूडेंट देन इन ओपन वास्क्यूलर बंडल बच्चों क्या प्रेजेंट होगी जाइलम और के बीच में सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये सारा बच्चों बंडल की जगह से लिया है, लिखा के अंदर. जो है वो डायकोट स्टेम के अंदर कैसा होता है एंडार्च तो ये भी बच्चों लिखा हुआ है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट इन मोनोकोटिलेंडर रूट देर आर मोर देन जाइलम बच्चों मोस्ट ऑफ़ दी के ए, मतलब जो मोनोकोट की रूट होती है उनके अंदर मोर देन सिक्स होते हैं जनरली मोर होते हैं so पूछा है बच्चों कौन सा correct होगा तो अगर ऐसे देखने जाए बच्चों तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है सो मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन दिस इयर क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक

Now, shows roots. Yes, होते है बच्चों ने सो दिसक्ट नाव ग्रोइंग एरियम इन ग्रास स्ट्रॉबेरी हेल्प इन दिटेटिव प्रोपोगेशन सो ये भी बच्चों अगर आपने देखा हो तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं इलेवंथ में भी पढ़ते हैं बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम में से चीजें बाहर निकलती है और उससे यह बनता है सो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट देयरफॉर करेक्ट आंसर इज पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था बच्चों उसके अलावा सारे स्टेटमेंट क्या थे करेक्ट देयरफॉर आंसर इज बी सी डी ई ओनली ए क्या है इनकरेक्ट है नाउ नेक्स्ट बच्चों प्लास्टिसिटी तो दो तरह की प्लास्ट बच्चों जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के चेंज अकॉर्डिंग टू देअर एनवायरमेंटल कंडीशन तो उसे अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी कैपेबिलिटी को ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था बच्चों अभी ये पूछा है कि इनमें से किसके अंदर प्लास्टिसिटी नहीं होगी सो देर टू केस ऑफ प्लास्टिसिटी बच्चों हेट्रोफिली उसका बहुत अच्च, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है हेट्रोफिली दो तरह की होती है वन इज एनवायरमेंटल हेट्रोफिली एंड अदर वन इज डेवलपमेंटल एट्रोफिली सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बच्चों विच प्लांट डू नॉट शो सो यस कोरिएंडर शोस प्लस बटर कप शोज कॉटन शोस ये तीनों शो करते हैं बच्चों जब आप टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल देखोगे तो सो so मेज है दैट विल नॉट नॉट शो शो एंड देयर फॉर आंसर इज सो द मेज प्लांट प्लास्टिसिटी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों दैट इज हंड्रेड एंड थर्टीन हंड्रेड एंड थर्टीन अगर अपन क्वेश्चन देखें बच्चों तो आप देखो क्वेश्चन दिया है कि जो आपके क्लिस्टोगेमस फ्लावर है बच्चों कौन से फ्लावर क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑटोगेमस क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर होते हैं बच्चों जो uh, अपने सॉयल uh, के अंदर बोन होते हैं क्लियर दैट इज अंडरग्राउंड फ्लावर्स अंडरग्राउंड फ्लावर्स कैसे होते हैं बच्चों उनके अंदर वो कभी ओपन नहीं होते देर फॉर वी कॉल्ड क्लिटोगेमस फ्लार बट उनके अंदर एंथर एंड स्टिग्मा दे आर मिच्योर एट द सेम टाइम क्लियर तो उनके अंदर क्या देखने को मिलती है बच्चों होमोगेमी और होमोगेमी की वजह से उनके अंदर विदाउट पोलिनेटर दे सीड सेट ऐसा लिखा हुआ है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों तो यस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ओटोगेमस दिस इज ट्रू नाउ द क्लिस्टोगेमी इज डिसेजिनस क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है सेम फ्लावर के अंदर वो हो रहा है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है सो इट इज बिकॉज इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन दिस इज अ अन्बली ऑटोगेमस मतलब यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ही होगा सो दिस इज ऑल्सो ट्रू तो अगर ऐसे देखने जाए बच्चों तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट दे फोर आंसर इज फोर्थ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड फोर्टीन हंड्रेड एंड फोर्टीन के अंदर गीवन है बच्चों

so this is up to question number 115. now next देखते हैं बच्चों apan नेक्स्ट जो आपका पेपर है बच्चों उसके अंदर देखो आप नाउ क्वेश्चन नंबर 116 student 116 स्टूडेंट हंड्रेड के अंदर इट इज गिवन दैट

टेक्स्ट बुक से ही पेपर आया है और कहीं से भी नहीं आया है बच्चों सब कुछ पढ़ना होता है अच्छे से पढ़ना होता है क्लियर देखो अभी आप सो so, यस yes, और उसने प्रपोज किए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट नाउ सेवन कैरेक्टर्स जो मेंडल ने एग्जामिन किए थे बच्चों वो कौन कौन से थे तो यस सीड शेप एंड सीड कलर फ्लावर कलर देन पोड शेप एंड पोड कलर देन फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट सो दिस इज सेवन तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टूडेंट तो ये भी कंप्लीटली क्या है आपका

रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन वाला सेम क्वेश्चन इथैलीन वाला अभी ये वापस बच्चों देखो से फिर क्वेश्चन आया जैसा मैंने आपसे बोला था कभी कभी आंसर भी वही छुपा होता है द प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर वो क्या करता है बच्चों नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ा देता है जितने फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे फ्रूट्स के नंबर भी क्या होंगे बच्चों इंक्रीज बिकॉज फीमेल फ्लावर में ओवरी जो होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स सो यील्डिंग विल इंक्रीज एंड आंसर इज इथाइलिन सो इसमें दो क्वेश्चन आए बच्चों आपके अभी तक प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन से जो अपन ने देखे बोथ आर फ्रॉम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों The process of translation of mRNA. ये बच्चों द प्रोसेस ऑफ ऑफ ट्रांसलेशन ये इस बार का अच्छा क्वेश्चन है कुछ बच्चे ने हो सकता है गलत किया हो एक बार ये पूछा था बच्चों की जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या होता है तो सबसे पहले जो होता है दैट इज चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है नेट में तो मैंने बोला था टेक्स्ट बुक अच्छे से याद कर लेने का दिया हुआ है बच्चों प्रोसेस ऑफ ऑफ ट्रांसलेशन कब begins होता है बच्चों तो मैंने बताया था एम आर एन ए के साथ जब छोटी सब यूनिट लग जाती है राइबोजोम की सो द स्मॉल सब यूनिट ऑफ तब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है बच्चों बिगन्स होता है फिर चार्ज टी आर एन ए आता है उसके ऊपर फिर लार्जर सब यूनिट आती है फिर ए और पी साइट के ऊपर वर्क होता है जैसा आप लोगों को सबको पता है सो so, इसका आंसर क्या होगा बच्चों फोर्थ उसके बाद देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड नाइनटीन 119 में गीवन है बच्चों ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है तो इट इज अ कॉज ऑफ ये खुद कॉज है? So है इसे बोलते हैं एविल क्वाट्रेट इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है सो दीज आर द फोर रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बच्चों ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है सो आंसर इज टू फिर ये वापस देखो आप बच्चों मेनी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो आए हैं इस बार ये सबसे यूनिक है इस बार का पेपर बच्चों तो पेपर टफ नहीं है पेपर थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों क्लियर यू क्रोमेटीन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटीन यस दे आर लूजली पैक्ड क्योंकि हेट्रोक्रोमेटीन इज टाइटली पैक्ड हेट्रोक्रोमेटीन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव गलत है बच्चों हेट्रोक्रोमेटीन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग

टिपिकल न्यूक्लियो कंटेन बच्चों टेक्स्ट बुक में साफ लिखा हुआ है टू हंड्रेड बेस पेयर्स होते हैं तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट कितनी चीजें गलत है बच्चों देखो आप बी और ई e गलत है बच्चों तो अगर आप ढंग से ऑप्शन को देखो तो बच्चों आप बी गलत बी गलत ई e गलत ये तीन तो चले ही गए बच्चों आपके ऑप्शन तो ये ऑप्शन देखने का तरीका है तो यहाँ आंसर क्या हुआ बच्चों पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कितने सो ए सी एंड डी आर करेक्ट

नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स दैट इज डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर इसके ऊपर भी बच्चों दो तीन क्वेश्चन आए एनवायरमेंटल इश्यूज से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन है आप देखो वापस इसी से बच्चों, से बच्चों प्रेसिपिटेटर तो क्वेश्चन दिया है कौन इनमें से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है तो अपन ने पढ़ा है बच्चों 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर इज रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर देयरफॉर आंसर इज टू नेक्स्ट देखो बच्चों डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज अ बेसिस ऑफ आप देखो बच्चों ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग वाला केस है इसमें से इस बार वापस क्वेश्चन आए पिछली बार आया था बच्चों एक्सप्रेस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स ये डीएनए का वो पोर्शन है विच इज अंडरगो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन

तो वापस दिया है बच्चों कैन नॉट बी क्लियर तो कितनी बार करेक्ट इन करेक्ट कैन नॉट नॉट यह सब इट माइट लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हो सकता है बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड बच्चों प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है एक को प्लस और एक को माइनस ये दो ही केसेस हैं यहाँ पे दिया है दोनों को माइनस दोनों को माइनस कहाँ होता है बच्चों कॉम्पिटिशन में इट मीन इट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रिडेशन टू So, जो हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर है बच्चों उसका आंसर क्या हो गया आपका टू नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन नाउ दिस वन इज द नेक्स्ट इसमें देखो बच्चों जो मैंने अभी बताया आपको नाउ uh. यहां पे अब आपको दिया हुआ है बच्चों जो दो ऑप्शन थे प्रिडेशन से वैसे आंसर पहले निकल गया था फिर भी वी कैन लुक एट ऑल द ऑप्शन क्लियर डिटेल्ड uh, सोल्यूशन बच्चों हम बाद में लगाएंगे बट आप बहुत सारी चीजें देख के अभी समझ सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन अगेन ये क्वेश्चन कहां से बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इट इज इट नेसेसिएट्स नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस यस देखो बच्चों आप स्पेलिंग मिस्टेक्स देखो फास्ट करते हैं ना जब तो कितनी सारी मिस्टेक्स होती है इसलिए आप स्लो किया करो बच्चों काम फिर देखो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी यस ये बच्चों आपने पढ़ा होगा एक स्टारफिश का एग्जांपल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने के काम आती है तो ये सारे के सारे प्रोसेस किससे होते हैं बच्चों प्रिडेशन से बट क्या नहीं होता दोनों को नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता प्रिडेशन में वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव दिस काइंड ऑफ स्पीशीज इंटरेक्शन अकर इन प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में क्या नहीं होगा मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोजिट पोल जाएंगे क्रोमोजोम एकदम बड़ा गलत बच्चो पेरिंग कब होती है क्रॉसिंग ओवर करने के लिए क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है मियोसिस ना कि माइटोसिस मतलब दिस केपन इन माइटोसिस फिर कॉयलिंग एंड कंडेंसेशन बिल्कुल होता है स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटो कोर अब ये कितनी यूनिक चीज है बच्चों अभी देखना आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से आंसर बनाया बच्चों स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटो कोर ऑफ क्रोमोजोम नॉट फ्रॉम दी सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर के बाद क्या होता है काइनेटोकोर उस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं इसी का क्वेश्चन है बच्चों अगर आप बहुत अच्छे से विजिलेंटली पढ़ रहे होते तो आपको पता चलता है कि इसी इसी ये आंसर है बच्चों उस क्वेश्चन का देखना अभी आप

या फिर एनएडीएस एच प्लस लिखते हैं बच्चों आजकल अपन तो मेरे हिसाब से इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली टू होना चाहिए क्लियर बाकी फिर नेट वाले क्या देते हैं बच्चों वो अपन देखेंगे नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये भी बच्चों बहुत बार पूछा जाता है और इसी वैक्सिलरी एस्टिवेशन की वजह से फ्लावर बिकम्स जाइगोमॉर्फिक नॉट एक्टिनो जाइगो हो जाता है बच्चों तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है अलोंग विद डाई एडेल्फा सिस्टेमिन तो बच्चों पाइजम फेबेसी फेबिस के अंदर गिवन है पी प्लांट सो आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चों दिया है विच वन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फास्ट करने की चीजें बता रहा हूं बच्चों देखो यहां पे स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा हुआ सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पोलिनेशन पोलिनेशन के लिए इनकरेक्ट क्या है बच्चों पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग ए बिल्कुल बच्चों हाइड्रोफिली और एनिमोफिली दैट इज विंड पोलिनेशन ये मच मोर कॉमन है सो दिस इज करेक्ट अपन से पूछा इनकरेक्ट कौन सा है ये करेक्ट है बच्चों फ्लावर प्रोड्यूस फाउंड कलर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बिटर्स बिल्कुल सही है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है honey बी सबको मालूम होगा बच्चों बी के अंदर बास्केट होता है पोलन बास्केट बी सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा पोलिनेटर होता है बच्चों सबसे ज्यादा पोलिनेट करने वाला सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों फिर पॉलीनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर बिल्कुल सही बात है बच्चों तो ये तीन स्टेटमेंट मतलब इसका आंसर क्या हुआ बच्चों थ्री

रिच इन लिग्निन एंड काइटीन ऐसा पढ़ा होगा बच्चों अगर लिग्निन और काइटीन अगर, अगर अपन यूज में लेते हैं तो डिकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाती है स्लो एयर कम होती है तो भी स्लो मॉइस्चर कम होती है तो भी स्लो तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है वो फास्टर नहीं होकर क्या होना चाहिए था स्लोअर मतलब दिस इज फॉल्स तो बच्चों स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट है फॉर आंसर इज टू नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 131 अगर, अगर अपन देखने जाएं तो 131 में देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है So the is, the of तो बच्चों, बुक में साफ लिखा हुआ है वो कब बनता है इज अ साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर तो ये बच्चों एकदम डायरेक्टली डायरेक्ट फ्रॉम टेक्सट बुक सब क्वेश्चन टेक्सट बुक के हैं बच्चों आप रियल में देखोगे आज जाके टेक्सट बुक आपको लगेगा अरे पेपर तो पूरा टेक्स्ट बुक में से था नेक्स्ट देखो बच्चों ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रूट ऑफ़ बच्चों एक ही जगह दिया हुआ प्लांट नहीं है ये आपका, आपका ये वाला नहीं है तो आंसर इज फर्स्ट दिस इज अगेन रिटर्न इन मिनरल न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ATP सिंथेसिस इन केमी ऑस्मोटिक थियरी बच्चों केमी ऑस्मोटिक थियरी के अंदर एक प्रोटोन ग्रेडियंट अपन को डेवलप करना पड़ता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन और उसकी वजह से क्या बनता है बच्चों ATP तो देखो बच्चों ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटोन ग्रेडियंट सो दिस वन इज रॉन्ग ये पूछा यही है बच्चों की कौन सा नॉट ट्रू है तो ये पहला वाला ही आंसर बन गया बच्चों दूसरा देखते हैं मूवमेंट ऑफ प्रोटोन यस मूवमेंट ऑफ प्रोटोन करवाते हैं बच्चों कहा से? से, जाके क्या बनता है बच्चों? आपका Then, NADP NADPH2, yes. अगर आप देखो बच्चों जो तीसरा प्रोसेस होता है तीन प्रोसेस दिए हुए बच्चों केमी के अंदर ए बी और सी तो जो सी प्रोसेस एनसीआर में गिवन है वहां पे एन एडीपीटेड इन टू एन टू ऑन स्ट्रोमा साइट

मस्टर्ड नहीं होगा बच्चों गुलमोर आंसर है केशिया आंसर है दतूरा और दिली नहीं है सो so आंसर क्या हुआ बच्चों बी एंड सी ओनली दे आर द जाइगोमॉर्फिक दिस इज डायरेक्टली रिटर्न इन प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन आई थिंक ये वाला पार्ट खत्म हो गया बच्चों दैट इज वन थर्टी फोर क्वेश्चन तक अपन ने क्या कर लिया बच्चों खत्म कर लिया अब लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों अपने सेक्शन ए का बॉटनी का तो सेक्शन ए के अंदर जो आपको दिया है बच्चों दैट इज 135 अब आप देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर आपको 135 दिया है आई थिंक सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन पूछा है बच्चों मैच द कॉलम तो इस बार मैच द कॉलम कम आए हैं लेकिन जो आए हैं बच्चों मैच द कॉलम कभी गलत नहीं होते आई थिंक सबने सही किए होंगे मैंगनीस का काम क्या होता है बच्चों वाटर स्प्लिटिंग तीन आयन काम करते हैं बच्चों यहां पे आपके एक करता है एम एन टू प्लस दैट इज मैंगनीस सेकेंड काम करता है क्लोराइड आयन थर्ड करता है कैल्शियम आयन सो so, यहाँ पे ए का आंसर क्या होगा बच्चों फोर मैग्नीशियम का काम आता है बोरोन देखो बच्चों अब ये बोरोन भी बहुत यूनिक है मैं बार बार बोलता हूँ बोरोन के जितने भी फंक्शन गीवन है बच्चों दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है पोलन जर्मिनेशन करने के काम आता है ये यूनिक फंक्शन है बोरोन के इस बार पूछ लिया बच्चों रिक्वायर्ड फॉर द पोलन जर्मिनेशन तो सी का आंसर क्या है बच्चों टू है आयरन कहाँ पे काम आता है कैटेलेज बनाने के मैग्नीशियम कहाँ पे काम आता है रेस्पिरेशन के लिए सो so, बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आएगा फर्स्ट सो दिस इज द कंप्लीट सेक्शन ए ऑफ पोर्शन बच्चों अगर इस पूरे को देखो आप तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन uh, है आपके जो भी क्वेश्चन है बच्चों आप देखना वापस जाके घर पे सबको आई थिंक सबको पता चलेगा बच्चों ऑल द क्वेश्चन आर फ्रॉम एन सी आर टी टेक्स बुक सो निट के लिए बच्चों एन सी आर टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ी uh, और बात जैसे आप इसको सेक्शन को देखने के बाद बच्चों एनालाइज करना टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना जो आने वाले बच्चे हैं जो इन सोल्यूशन को देखेंगे बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है एनसीआर को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ो बच्चों कोई भी लाइन आपको एन की नहीं छोड़नी है क्लियर तो दिस इज सेक्शन ए थैंक यू